Imagine a world without camera, a world without photos, a world without videos. ना YouTube होता, ना Instagram होता, और ना ही किसी का business चल रहा होता आज के दौर में. वो किस तरह? Let me explain. We did couple of shoots last week. Lucky Restaurant is one of our clients. Lucky Restaurant is famous for biryani, mandi, kebabs, और भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, जैसे कि नॉर्थ इंडियन डिशेज भी अवेलेबल है. तो इस बार हम लोग ज़्यादातर वेजिटेरियन फूड शूट करें, जैसे कि पालक पनीर, शाही पनीर, पनीर बटर मसाला, लच्छा पराठा, चिकन 65, बटर चिकन, दाल तड़का, दाल फ्राई, मटर पुलाव और भी बहुत सारी चीज़ें थी. बहुत भूख लग रही है मेरे को, अभी लंच टाइम है, मैं ये शूट कर रहा हूँ. हाँ, जब भी हम लोग शूट करने जाते हैं क्लाइंट के लिए, तो हमेशा दिमाग में ये ज़रूर होता है कि फ़ोटोज़ भी लें और वीडियोज़ भी लें. ये एक फ़ोटो वीडियो वाला कॉम्बिनेशन वाला शूट होता है हमेशा. फोटोग्राफी के ज़रिए, वीडियोग्राफी के ज़रिए आप जब कंटेंट क्रिएट करते हो, फाइनली जब जाकर सोशल मीडिया पे आप अपलोड करते हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड करके दिखाना होता है आपका खाना क्यों अच्छा है और लोग आपके रेस्टोरेंट पर क्यों आए, तो ये बहुत ज़रूरी होता है. समटाइम्स कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो, कोई ऑफर्स हो, उनको प्रमोट करना हो, जैसे कि गोल्ड जिम और ऑडी हैदराबाद का कोलैबोरेशन था, तो हम लोग ने वो वीडियो बनाने के लिए गए थे गोल्ड जिम माधापुर. बेसिकली प्रमोशन ये था कि अगर कोई क्लाइंट गोल्ड जिम की एनुअल मेंबरशिप लेता है, तो उसको ऑडी हैदराबाद की तरफ से 3,000 रुपीज़ का गिफ्ट हैम्पर और उसके साथ साथ ऑडी शोरूम का टूर मिलेगा और एक ऑडी कार की टेस्ट ड्राइव भी मिलेगी. वीडियो का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझाया ऑडी के मैनेजर और गोल्ड जिम के क्लाइंट को. हमने बोला जस्ट गो विद द फ्लो, और ऑडी के मैनेजर को हम लोगों ने बोला जिस तरह नॉर्मली आप किसी क्लाइंट को आप टूर करवाते हो, आप उसी तरह से आप टूर कंटिन्यू करिए और हम लोग मल्टीपल एंगल से उसको शूट कर लेंगे. ओवरऑल मेरे लिए बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा. आई वुड लव टू डू मोर कार्स और बाइक्स वाले शूट्स, और यू नो ये वीडियो ऑलरेडी इंस्टाग्राम के पेज पे अवेलेबल है गोल्ड जिम के, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, आप लोग ज़रूर देख सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट शूट थी हमारी फूडीज़ कैफ़े पे. फूडीज़ कैफ़े का बहुत टाइम से हम लोग मल्टीपल शूट्स कर दिए हैं उनके, और भी बहुत सारे शूट्स बाकी है, तो जब भी पूरा मेनू कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम लोग शूट्स करते रहेंगे. तो इस बार हम लोग जो शूट किए बहुत सारे फ्राइड आइटम्स, जैसे कि फ्रेंच फ्राइज, चिकन नगेट्स, चिकन पॉपकॉर्न, स्माइलीज और भी बहुत सारी चीज़ें थी हम लोग शूट करें. लेट मी टेल यू, जब भी मैं फैयाज हम लोग शूट करने के लिए सुबह निकलते तो रात में वापस आते बॉस स्टूडियो से. हम लोग कभी कभी दोपहर में निकलते 12-1 बजे, फिर घर को आते वापस अराउंड 10-11, इस तरह की चीज़ होती. और यू नो 40% अगर शूट है तो रिमेनिंग 60% जो है एडिटिंग पे मेहनत तो लगती बॉस. तो मैं ये बोलना चाहूँगा, बहुत पुरानी लाइन है लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा आप लोगों को कि जो दिखता है वो बिकता है आज के ज़माने में. तो दिखने वाला जो काम है ना, वो हम जैसे फोटोग्राफर्स का काम है, तो वो हम लोग बखूबी कोशिश करते हैं कि अच्छी से करें और उससे क्लाइंट का फ़ायदा हो. सुबह से शाम तक इंटरनेट के ज़रिए अपने मोबाइल पर आप जितने भी फ़ोटोज़, वीडियो, वीडियो कॉलिंग, बहुत सारी चीज़ें आप करते हो, जितना भी आप डेटा कंज्यूम करते हो, कहीं ना कहीं किसी फोटोग्राफर ने वो शूट किया होगा, तभी आप देख पा रहे हो. तो अब आप एक काम करिए, आप अपने किसी फोटोग्राफर दोस्त को, मुझ जैसे फोटोग्राफर दोस्त को जाइए और उनको थैंक यू बोलिए और बोलिए